हेलो आल हाउ आर यू फाइन मैम हाउ आर यू आई एम गुड आई एम गुड सो ओके आज से आप लोग के ए एफ एम की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं सो so, आप लोग ने पहले से ही डिनर विनर कर लिया है ना बिकॉज फ्रॉम ना ऑन अ लिटल एक्स्ट्रा टाइम हैव टू डिट डेली ओके राइट राइट सो कल हम लोग पढ़ रहे थे हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट्स डेबिट कार्ड्स के चैप्टर को वी कम्पलीटेड वी डेंट कम्प्लीटेड हमने हाफ किया था वी कम्प्लीटेड टिल क्रेडिट कार्ड्स So we'll be completing that today, this chapter. Other than that, we'll also start the next chapter. We'll try to finish it, or else uh, as the time permits, and uh, then we'll solve a few questions on these chapters. So, right. Okay, let us start. Okay. So, ham debit. क्रेडिट कार्ड खत्म कर लिया था और आज हमको स्टार्ट करने हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में है दैट इज चार्ज कार्ड्स नाउ व्हेन वी स्टडी अबाउट चार्ज कार्ड्स वी फाइंड दैट इट इज मोर लेस सिमिलर टू अ क्रेडिट कार्ड बट स्टिल देर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस और डिफरेंसिस बिटवीन द टू सो वी स्टडी दैट इन अ क्रेडिट कार्ड वॉट है and we need to pay after the payment cycle is complete right all of these things were there in the credit card what happens in a charge card now let us see so charge card it allows customers to defer the costs of purchases made on the card until the end of the payment cycle and here mostly it is

राइट सो वी नीड टू पे इट इफ यू डोंट देन फीस और पेनल्टीज विल बी इम्पोज एंड दीज आर क्वाइट हाई एस कम्पेयर टू द क्रेडिट कार्ड्स हियर चार्ज कार्ड्स कम विद जनरल पर्क्स एंड अवार्ड्स बट चार्ज एनुअल फीस यहां पे हम लोग ने बात की थी कार्ड्स की तो हम लोग बात कर रहे थे को ब्रांडेड कार्ड्स की तो चार्ज कार्ड्स भी मोस्टली क्या होते हैं ये को ब्रांडेड ही होते हैं तो जिस भी कंपनी के साथ ये को ब्रांड करके कार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो उस कंपनी में यू यूज दैट कार्ड और एट दैट प्लेस वेन यू यूज दैट कार्ड तो आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट्स सब्सिडीज ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं बट हाई एनुअल फीस भी होती है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स में आर ने कहा है कि फीस लेनी भी है तो बहुत मिनिमम लेनी है या फिर नहीं लेनी है बट चार्ज कार्ड्स में ऐसा नहीं है and if you don't pay like we said penalties are there on the unpaid balances so basically this is the basic information that is provided so it is similar to a credit card difference क्या होता है यहाँ पे मंथली करना होता है हाई एनुअल फीस होती है अगर आप मंथली नहीं पे कर रहे हो तो पेनल्टी भी इम्पोज होगी ये होता है आपका चार्ज कार्ड की बेसिक चीज है एंड मोस्टली ये को ब्रांडेड फॉर्म में हम लोगों को मिलते हैं जिससे हम लोग काफ़ी सारे पर्कस रिवॉर्ड्स बेनिफिट्स ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं

तो प्रीपेड कार्ड्स प्रोवाइड किए गए थे प्रीपेड कार्ड्स होते क्या प्रीपेड कार्ड्स आर बेसिकली लाइक वी सेड पे परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज अगेंस्ट द दा वैल्यू दैट इज स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट सो इसमें ऑलरेडी एक वैल्यू है लिमिटेड अमाउंट है जो प्रीपेड है जैसे कि हम लोग जब फोन अपना सिम यूज करते हैं सो वॉट वी डू वी प्रीपे हम लोग एक वहाँ पे क्या करते हैं वी टेक अ प्लान एंड देन अकॉर्डिंगली मंथली और एनुअल प्लान इज देर वी कैन मेक कॉल्स यूज द इंटरनेटिलर सिमिलरली प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पहले से हमें क्या करना होता है उस कार्ड में कुछ वैल्यू लोड करानी होती है उसमें लोडिंग रीलोडिंग ये सारी फैसिलिटीज भी होती हैं तो पहले से कुछ अमाउंट होगा जो कि उसमें लोडेड होगा और उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग पेमेंट्स फॉर परचेजिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज राइट अब प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के क्या होते हैं देर आर थ्री टाइप्स देर इज द क्लोज्ड सिस्टम देर इज द सेमी एंड देन देर इज द ओपन क्लोज्ड लिमिटेड एज द नेम सजेस्ट इट इज क्लोज्ड सो इस कार्ड को वहीं यूज किया जा सकता है जहां से हमें ये इशू किया गया है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देर इज अ गिफ्ट कार्ड राइट अ गिफ्ट कार्ड इज इशूड बाई अ रिटेल स्टोर और लेट्स से पैंटलून्स और एनी अदर स्टोर तो हम उस कार्ड को वहीं पे यूज़ कर सकते हैं कई बार हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं तो एक अमाउंट से ज़्यादा परचेज़ करने पे हमें गिफ्ट कार्ड मिलता है रुपीज़ टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड ऐसे करके जो भी तो वो भी एक तरीके का प्रीपेड कार्ड ही है एक एग्जाम्पल है बस और बैंक भी इशू करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दैट एंटिटी ओनली एंड दे डू नॉट परमिट कैश विद ठीक है तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सेटलमेंट है ये उसी के साथ हो रहा है जिस एंटिटी ने इसको क्लोज सिस्टम पीपीआई या कार्ड इशू किया है ठीक है फिर हमारे पास इसमें क्या लिमिटेड है ये लिमिटेड है वहीं पे यूज कर सकते हैं नो परमिट एंड कैश विद्रॉल इज नॉट परमिटेड ये है क्लोज सिस्टम का फिर हमारे पास आ जाता है सेमी क्लोज नाव सेमी इज समेर इन बिटवीन इसमें क्लोज और ओपन दोनों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है

तो अब हम उस सारी जगहों पे इसको यूज कर सकते हैं अगेन अब यहाँ पे हमने क्या कहा था कि कुछ इसमें फीचर्स क्लोज के हैं कुछ ओपन के हैं तो ये किसका फीचर हो गया चलिए मान लीजिए ओपन का हम लोग एक से ज्यादा जगहों पे यूज कर सकते हैं क्लोज का क्या हो गया नो कैश विदड्रॉल इसको हम लोग ए या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे जाके कैश विद्रॉल हम सेमी क्लोज पर भी नहीं कर सकते हैं <coughs> जो कैश विदड्रॉल अलाउड है वो किसमें अलाउड है हम लोग का जो थर्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज ओपन सिस्टम ठीक है इसमें क्या होता है आर इशूड ओनली बाय ये केवल वही है जो बैंक इशू करते हैं ये रिटेल शॉप मर्चेंट्स वो इशू नहीं कर सकते एंड दे कैन बी यूज दैट एनी मर्चेंट लोकेशन फॉर एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज रेमिटेंस फैसिलिटी तो ये बैंक इशू करते हैं ये हो जाते हैं हम लोग के ओपन सिस्टम बैंक इशू करते हैं इसीलिए इसमें रेगुलेशन ज्यादा होता है इसीलिए हमारे पास ऑप्शन भी ज्यादा होते हैं फीचर कैश इज अलाउड टी एम्स पॉइंट ऑफ सेल्स बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स अगर रूरल एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं सो so, इसमें कैश विदड्रॉवल भी अलाउड है कितना कैश विदड्रॉल अलाउड है uh, here, पहले ये दिया हुआ है कि अमाउंट आउटस्टैंडिंग शेल नॉट एक्सीड रुपीजन लाख एनी पॉइंट मतलब कि कार्ड में जितना अमाउंट है इसका लिमिटेशन दिया है यहाँ पे बैंक जो प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज होते हैंज एस वेल यहाँ पे पीपीआई होल्डर क्या कर रहे हैंज को एड कर सकता है बाई गिविंग देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स डिटेल्स ऑफ दीपी कोई कुछ कह रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं ठीक है सो ये तीन टाइप्स के होते हैं हम लोगों के क्लोज्ड सेमी क्लोज्ड और ओपन ठीक है इसके अलावा जो भी पीपीआई इशू किए जाते हैं उसका वैलिडिटी पीरियड होता है वैलिडिटी पीरियड ऑफ वन ईयर मोस्टली बैंक्स इससे ज्यादा भी कर सकते हैं अगर वो चाहें तो लॉन्गर वैलिडिटी के लिए भी दे सकते हैं उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि जब बैंक्स पी पी इशू कर रहे हैं तो उनको कुछ नॉर्म्स कुछ गाइडलाइंस है जो कि फॉलो करनी होंगे दे नीड अ बोर्ड अप्रूव पॉलिसी व्हेन दे आर इशूइंग वे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स देन जो इशुअर्स है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो भी अमाउंट इसमें दिया जाए इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा द बैंक्स दे विल मेक श्योर कि पी पी आई बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं वो ठीक है एंड अदर थिंग्स आर सेम जैसे पी पी आईज है केवल कार्ड के फॉर्म में नहीं वॉलेट्स के फॉर्म में भी मिलते हैं हम लोग को गिफ्ट कार्ड्स के फॉर्म में भी मिलते हैं हम लोग को तो ये सारी चीजें बैंक अलाउ करते हैं एंड के वाई सी कंप्लाइंट होना चाहिए है दैट इज ऑल मोस्टली पीपीआई से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन है क्या इंपॉर्टेंट है जो थ्री टाइप्स हैं और इन तीनों टाइप्स में क्या क्या अलाउड है तो केवल एक ही जगह पर यूज कर सकते हैं दैट इज क्लोज्ड

लोडिंग जब उसमें कितना अमाउंट दिया जा रहा है एंड रीलोडिंग वेन द अमाउंट गेट्स यूज अप इन द पी पी आई दैन हाउ वी कैन गेट इट अगेन वी कैन अगेन गेट द अमाउंट रीलोडेड इन द कार्ड सो पी पी आई शैल बी परमिटेड टू बी लोडेड और रीलोडेड बाय ऑल द ऑप्शन आर देयर आइदर बाय कैश बाय डेबिट टू अ बैंक अकाउंट अगर बैंक अकाउंट है तो इंडिविजुअल अपने बैंक अकाउंट से डेबिट करके डायरेक्टली कार्ड में ट्रांसफर करा सकता है क्रेडिट डेबिट कार्ड्स इवन आर एक्सेप्टेबल एंड पीपीआई मतलब अदर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से भी हम कर सकते हैं तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जब हमको लोडिंग या रीलोडिंग करानी होती है देन अगर कैश लोडिंग करा रहे हैं तो इसमें रुपीज फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ का लिमिट होता है हमने क्या कहा था कि एक लिमिट होती है कि एक टाइम पे कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग इट शुड इट इज अलाउड टू बी प्रेजेंट इन दीपीआई उसी में अगर हम लोग कैश लोडिंग की बात कर रहे हैं तो फिफ्टी थाउजेंड कैश के थ्रू क्या होता है ओपन सिस्टम की जब बात हो रही है तो एडी वन आप लोगों ने जब बैंक पढ़ा होगा सो देर आर सर्टन कैटेगरी वॉट ऑल फंक्शन कैन बी परफॉर्म बाय देस देर इज द एडी वन कैटेगरी एडी टू कैटेगरी एडी वन कैटेगरी इट इज ओनली पर मिसेबल करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू अधरेंस टू द एक्सटेंट नॉर्म सो so, ये सारी चीजें बेसिकली सारी सिमिलर के वाई सी से कंप्लाइंट होना चाहिए है जब आप पी पी इशू कर रहे हो अः कि उसका कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा फ्रॉड तो नहीं हो रहा है तो इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि फॉलो करवाई जाती है ठीक है यस वन मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट होगा यस yes. पी पी आई शैल नॉट बी यूज फॉर एनी क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड फंड ट्रांसफ़र मतलब कि ये पी पी आई जो यूज़ किए जा रहे हैं विदिन द इंक्लूडेड बाउंड्री ऑफ इंडिया ये यूज़ किए जाएँगे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए पी पी नहीं यूज़ कर सकते हैं एंड ये सब उतना नहीं है. Basically, जो important था, वो वही था. Three categories. जो बनकर आते हैं वो इसी से बनकर आएंगे कि कौन से सर्विसेज हैं परमिसेबल हैं अंडर द ओपन सिस्टम अंडर द सेमी क्लोज और क्लोज ठीक है सो अबाउट द प्रीपेड कार्ड्स अब प्रीपेड कार्ड्स के अंदर ही एक और आता है एक बार रीड कर लीजिएगा इसको ये सारी इंफॉर्मेशन राइट स्मार्ट कार्ड अब स्मार्ट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में डिफरेंस और क्रेडिट कार्ड जब डेबिट कार्ड की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है एक मैग्नेटिक चिप होती है देर इज अ मैग्नेटिक इन विच योर इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इट कैन बी यूज राइट स्मार्ट कार्ड क्या होता है इट इज़ मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू द अदर कार्ड इनफैक्ट सारे जितने भी कार्ड्स अवेलेबल है उसमें सबसे जो सिक्योर होता है वो स्मार्ट कार्ड ही है आज के टाइम पे तो स्मार्ट कार्ड में क्या होता है इट कम्प्राइजेज अ प्लास्टिक कार्ड एम्बेडेड विद माइक्रो प्रोसेसर चिप और मेमोरी चिप यहाँ पे एक मिनी कंप्यूटर की तरह ये वर्क कर रहा है यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन बहुत सेफ रहती है ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर बैंक अकाउंट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इट इज़ वेरी सेफ एंड सिक्योर इट कैन नॉट बी मिस यूज एज कम्पेयर टू द केसेज ऑफ डेबिट कार्ड्स क्योंकि उसमें क्या होता है मैग्नेटिक चिप होती है बट इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है या फिर मेमोरी कार्ड सो जब हम लोग स्मार्ट कार्ड को यूज करते हैं ऑन प्रोसेसिंग बाय अ चिप लीडर रीडर द कम्युनिकेशन टू द होस्ट कंप्यूटर इज डन एंड इट ट्रांसमिट्स इन मेमोरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड क्विकली जो भी मेमोरी, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे इस कार्ड में सेवड है ये बहुत सेफ तरीके से ट्रांसफर कर दी जाती है एंड द ट्रांजेक्शन कैन बी मेड उस इंफॉर्मेशन को कोई भी थर्ड पार्टी यूज नहीं कर सकती है ठीक है देन इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन सेव uh, हो सकती है इधर वैल्यू द यूज़र इंफॉर्मेशन दोनों दोनों भी यूज़ हो सकते हैं जो चिप है ये टैम्पर प्रूफ होती है दैट इज़ कार्ड होल्डर का जो पर्सनल डेटा है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेफ रहती हैं सो इट इज़ बेस्ड ऑन द डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड अप्रूव बाय द आई एस ओ इट मेक्स इट सेफ फॉर प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र राइट right? तो इसमें बेसिकली जो स्मार्ट कार्ड का मेन फीचर है दैट इज इट इज मोर सेफ एंड सिक्योर एज कम्पेयर टू द अदर कार्ड्स वट इज द रीजन रीजन इज दैट उसमें मैग्नेटिक चिप नहीं होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप नहीं होता है माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है या फिर मेमोरी चिप होता है ठीक है तो डेटा इंक्रिप्शन इसके अंदर होता है अब स्मार्ट कार्ड भी क्या होता है दो तरीके के हो सकते हैं आइदर इट कैन बी द कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड जहाँ पे हमको जो कार्ड रीडर होता है उस पर कॉन्टैक्ट करना होता है या स्वाइप करना होता है और इट कैन बी अंटेक्ट लेस स्मार्ट कार्ड जो कि क्या यूज करते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या है ये हम लोग अभी आगे कॉन्टेक्ट लेस कार्ड देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है सो दिस इज अबाउट स्मार्ट कार्ड तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन याद रखनी है इट इज सेफर वाई बिकॉज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर चिप दैट इज प्रेजेंट डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड दैट इज द्रूव बाय आई एसओ देन वी हैव डेबिट कार्ड्स नाउ जब हम क्रेडिट कार्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज टर्म यूज किया था दैट वॉज बाय नाउ पे लेटर राइट डेबिट कार्ड्स में क्या होता है सिंपली बाय नाउ पे नाउ बेसिक इंफॉर्मेशन इट इज लिंक्ड टू योर बैंक अकाउंट अगर आपके बैंक अकाउंट में सफिशियंट फंड है तभी आप परचेज या जो भी ट्रांजेक्शन है वो डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो एज अ पोस्ट टू द क्रेडिट कार्ड जो कि बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है सो डेबिट कार्ड से रिलेटेड कुछ आर uh, ने नॉर्म्स दिए हैं पहले तो एक बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें किस तरीके से बैंक्स को ब्रांडेड कार्ड्स अगर इशू कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे देन दे कैन बी इशू टू बैंक और करंट अकाउंट बट नॉट कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट होल्डर्स डेबिट कार्ड केवल सेविंग्स बैंक या करेंट अकाउंट पे ही इशू होगा ये आर ने बोला है इसके अलावा को ब्रांडेड डेबिट कार्ड्स भी इशू किए जा सकते हैं एंड वेर द इज इमीडिएट डेबिट टू द कस्टमर्स अकाउंट बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे ही यू मेक अ परचेज यूजिंग द डेबिट कार्ड सो इमीडिएट डेबिट इज मेड फ्रॉम योर करेंट और योर सेविंग्स अकाउंट वो वेट नहीं करता है एज सपोज टू दी क्रेडिट कार्ड जो एंड में या जो पेमेंट साइकिल कंप्लीट होता है तब होता है इंटरेस्ट के चार्ज होता है वो सारी चीज़ें नहीं है डेबिट कार्ड में अगर आपको टू थाउजेंड रुपीज़ का ट्रांजेक्शन करना है तो आपके अकाउंट में टू थाउजेंड रुपीज़ होने चाहिए वरना इन फंड बोल के आप वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे ठीक है एंड वोटेल्स अगर कोई पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है वहाँ पे आप डेबिट कार्ड को यूज़ करके कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो ठीक है विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ और ऑथराइजेशन ऑफ आर मतलब कैश विदड्रॉल पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे जो पी एस पी ओ एस है मर्चेंट है वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो आपको क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ही पॉसिबल है इससे एंड इफ़ देर इज एनी डायरेक्ट लॉसेस दैट आर अकर्ड अब इसमें ना कस्टमर लाइबिलिटी Uh, ये एक टॉपिक है जो कि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे व्हाट से लॉस ऑफ कार्ड या फिर कस्टमर ने जानबूझ के पिन अपना शेयर कर दिया जिसकी वजह से या फिर हम लोग कहते हैं ओ शेयर कर दिया सो व्हाट है फ्रॉड हुआ उसका बैंक से अमाउंट चला गया उसका कार्ड अगर खो गया कार्ड डैमेज हो गया दूसरा साइड क्या आता है कोई ऐसी इशू जिसकी वजह से कोई बैंक uh, कंट्रोल की वजह से वो फ्रॉड या मैल फंक्शन हुआ है तो दोनों में कस्टमर की लाइबिलिटी क्या होती है ठीक है देर इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द कस्टमर देर इज कम्प्लीट लाइबिलिटी जो यूजली नहीं होती है सो इफ़ देर इज डायरेक्ट लॉसेज इनकर्ड बाय अ कार्ड होल्डर ड्यू टू अस्टम मेल फंक्शन डायरेक्टली विद इन द बैंक्स कंट्रोल तो वहाँ पे बैंक ही लाइबल होगा वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा दैट इज अगर बैंक के साइड से कोई इशू हो रहा है ठीक है

अग्रीड टू यूजिंग द कॉन्टैक्ट लेस कार्ड्स वहाँ पे फाइव थाउजेंड से कम के अगर परचेजेस हमें करने हैं सो दैट कैन बी डन यूजिंग द कॉन्टैक्ट लेस कार्ड अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सो इंस्टेड ऑफ डिपिंग और स्वाइपिंग द कार्ड एट दिलिंग काउंटर दैट यू यूजली डू विद डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स वी सिंपली नीड टू वेव और टैप द कार्ड ऑन द कॉन्टैक्ट लेस टर्मिनल एंड विदाउट एंटरिंग अ पिन हम लोग को अगर फाइव थाउजेंड से कम का कोई ट्रांजेक्शन करना है सो वी सिंपली नीड टू टैप आर कार्ड और वी नीड टू वेव आर कार्ड वी डोंट नीड टू स्वाइप इट एंड विदाउट एंटरिंग द पिन वी कैन मेक दिस ट्रांजेक्शन अब हम लोग ने जब पढ़ रहे थे हम लोग स्मार्ट कार्ड्स के बारे में भी सो इट वर्क्स ऑन द नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें जो रेडियो ट्रांसमिशन है इट एम्प्लॉयज रेडियो ट्रांसमिशन टू असरटेन द कॉन्टैक्ट सो so, जो कार्ड्स हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है इट कैन बी सिंपली कैप्चर्ड बाय दिस रेडियो ट्रांसमिशन अंडर द नियर फील्ड कम्युनिकेशन एंड यहाँ पे हमको कोई भी टच uh, की या स्वाइप करने की या फिर उसको डिप करने की जरूरत नहीं होती है ठीक है सो नियर फील्ड कम्युनिकेशन पे ये वर्क करता है राइट right?

बाकी ए टी एम्स पे ओन बैंक ए टी एम्स पे ये सारी चीज़ें भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो कि हम लोग कॉन्टैक्ट लेस कार्ड में यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन्स है एक दिन में कितना कर सकते हैं एक मंथ में कितना कर सकते हैं वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक डिफर करता है बैंक अपने हिसाब से कर सकता है एंड डेफिनेटली अगर हम लोग को यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग स्वाइप नहीं कर रहे या फिर हम लोग डिप नहीं कर रहे हैं सो इट इज़ फास्टर एंड इट इज़ ईजियर राइट right. हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं एनपीसीआई ने जो रूपे हम ने डिस्कस किया था एनपीसीआई ने रूपे कार्ड्स को इश्यू किया था उसमें कई सारे वेरियंट थे देर वर वेरियंट ऑफ रूपे कार्ड्स मेनी वेरियंट्स हैव कम स्टार्टिंग में जो बेसिक क्लासिक आया था उसके बाद क्या आया था प्लेटिनम गोल्ड कॉन्टैक्ट लेस रूपे बिजनेस ये सारे वेरियंट हैं डिटेल में नहीं पढ़ना है बेसिक बेसिक कैरेक्टर इससे रिलेटेड हमको करनी है ठीक है तो फर्स्ट रूपे कॉन्टेक्ट लेस बेसिकली जो हम लोग ने कॉन्टेक्ट लेस कार्ड के बारे में पढ़ा वही चीज एनपीसीआई ने रूपे के अंदर भी प्रोवाइड कर दिया है सो so, ये नेक्स्ट जनरेशन सोल्यूशन है जैसे कि टोकनाइजेशन मोबाइल बेस्ड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स जो कि अब यूज कर रहे हैं so we can simply use our phones to make the payments and uh, yes that is what rupee contactless it then we have bharat e-commerce payment gateway Ye kya hota hai? this is a new e-commerce system to enhance the current e-commerce experience for the rupee cardholders यहाँ पे सिक्योरिटी एंड रिस्क के साथ रिस्क फ्री के साथ हम लोग इजिली कार्ड्स को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को यूज कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं तो इट इज अ पेमेंट गेटवे जैसे कई सारे बैंक के भी पेमेंट गेटवे होते हैं वैसे भारत ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे को किया गया है फॉर रूपे कार्ड होल्डर रूपे से आप इजिली ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं देन इंटरनेशनलाइजेशन के अंदर क्या आया है अब एनपीसीआई ने कई सारे नेशंस के साथ पार्टनरशिप की है मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयूज जिसको बोलते हैं जिसके थ्रू अब इंटरनेशनली भी हम लोग रूपे कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं पहले जब रुपए कार्ड आया था तो बेसिकली इंडिया में या डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए ही था फिर उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे भी इसको यूज करने का आया है सो एक्सपैंड द एक्सेप्टेंस ऑफ रूपे इन टू फॉरन मार्केट्स देन रूपे ऑन द गो ये कब लॉन्च किया गया था इट वॉज ऑन द ईव ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी ऑन द गो मतलब कि आपको फिजिकल कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है वॉट यू कैन सिंपली डू इज यू कैन यूज अर फोन और स्मार्ट वॉच एंड यू कैन मेक द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन सो ओपन लूप कॉन्टैक्ट लेस सोल्यूशन पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज एंड देर इज़ नो नीड टू कैरी द फिजिकल कार्ड फ़ोन के थ्रू या स्मार्ट स्मार्ट वॉच के थ्रू आप लोग रुपे ऑन द गो कार्ड को यूज़ कर सकते हो देन रूपे क्लासिक ऑफर्स मिनिमम फीचर्स जो कि हम लोग ने कल भी डिस्कस किया था लाउंज एक्सेस में नहीं होता है इंश्योरेंस कम होता है बेसिकली टू मेक परचेज एट वेरियस रिटेल स्टोर्स यू कैन यूज देन रूपे प्लाटिनम इसमें कई सारे ऑफर्स होते हैं जैसे कि एयरपोर्ट लाउंड जैक्सेस मिलता है देन इंश्योरेंस कवर मिलता है इसमें एमेजोन पे अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर फीचर लाइक इट कैन बी यूजेंट लोकेज वेल रूपे ग्लोबल ये कब इशू किए गए थे इन दर टू थाउजेंड एंड फोर्टीन यहाँ पे क्या है सिंगापुर हैज ऑफर्ड असिस्टेंस टू प्रमोट इंडिया डिजिटल पेमेंट नेटवर्क ओवरसीज जो हम लोग इंटरनेशनलाइजेशन की बात कर रहे थे कि पहले क्या था केवल डोमेस्टिक यूसेज था अब हम लोग फॉरेन मार्केट्स में भी रुपए को यूज़ कर सकते हैं सो ऑन सेवेंथ मार्च 2012 थाउजेंड एंड ट्वेल्व एन पी सी एंटर्ड इंटू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद होम डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे अब हम लोग जैसे कि जो डिस्कवर है हम लोगों ने पढ़ा था डिस्कवर कार्ड के बारे में डायनर्स क्लब के बारे में हम इन सारे नेटवर्क्स में अब रुपए ग्लोबल कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं वी कैन मेक इंटरनेशनल परचेजेस एज वेल कैश एक्सेस आउटसाइड ऑफ इंडिया राइट ई वी एम टेक्नोलॉजी चिप बेस्ड कार्ड्स टू रूपे कार्ड बेसिकली ग्लोबल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग रूपे को यूज कर सकते हैं पहले क्या था केवल डोमेस्टिक नाउ ग्लोबल या इंटरनेशनल या फॉरेन मार्केट्स में भी दे कैन बी यूज देन रूपे बिजनेस प्लेटिनम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विद एन पी सी आई इन लोगों ने साथ में कोलेबरेट करके रूपे बिजनेस प्लैटिनम को लॉन्च किया था वेन On 29 December 2021, for whom the corporate customers. So the small enterprises हैं, micro enterprises हैं, they can maintain personal and business account separately. Current account में जहाँ पे थोड़े transaction या ये सारी चीज़ें उनके okay, problem अगर उनको होती भी थी, तो अब वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग same में अपना रुपे business platinum card use कर सकते हैं. So now they have a separate account. मतलब कि पर्सनल अकाउंट सेपरेट हो गया बिजनेस अकाउंट सेपरेट हो गया विद हेल्प ऑफ बिजनेस प्लेटिनम देन सेलेक्ट फॉर द एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत डिटेल में यहाँ पे हम लोग को नहीं दिया गया है बिकॉज एक बस ओवरव्यू की तरह हम लोग चल रहे हैं कि स्टार्टिंग जब रूपे की हुई थी एनपीसीआई ने ऑफर किया था उसके बाद क्या क्या उसमें एड ऑन हुए क्या क्या बेनिफिट्स हुए सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ऑफरिंग्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इशुंग बैंक

तो वो कैसे कैलकुलेट होना है कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है उसके अलावा पी पी आईज के बारे में इम्पॉर्टेंट है पढ़ना डेबिट कार्ड्स के बारे में इम्पोर्टेंट है पढ़ना ठीक है तो बेसिक चीज़ें जो आप डेली आप कार्ड्स यूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूज़ कर रहे हो तो डेली के आपके जो यूसेज है उसी से रिलेटेड है कुछ बहुत डिटेल में बहुत एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में नहीं दी गई थी एंड येस yes, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ नेक्स्ट वॉट वी हैव इज रेमिटेंस प्रोडक्ट नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ रेमिटेंस सिंपली मेकिंग पेमेंट्स, राइट पहले क्या था कि पेमेंट्स करने के लिए आप लोग या तो कैश को अगर हटा दो बैंक के थ्रू अगर पेमेंट करो तो दो ऑप्शन रहते थे फर्स्ट वॉज चेक एंड द सेकेंड वॉज डिमांड डी डी राइट बट उसमें कस्टमर को बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी प्रॉपरली एजुकेशन होना चाहिए तो चेक ड्राफ्ट द चेक उसके अलावा बैंक जाओ फिर अगर uh, नहीं हो रहा है चेक बाउंस हो जा रहा है तो वापस आओ दूसरा करो सो ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स वर देयर विद द ट्रेडिशनल रेमिटेंस प्रोडक्ट्स उसके बाद क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस की बात हुई इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस प्रोडक्ट्स सो वॉट वी आर कवरिंग टूडे इन दिस चैप्टर इज द इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस प्रोडक्ट्स इन इंडिया ठीक है सो so, इसके अंदर हम लोग बात जब करते हैं सो देर आर सम सम प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स एंड देन आर आर वो हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया वर्क करते हैं decentralized वो हैं जो लोकलाइज है फॉर वन पर्टिकुलर रीजन और वन पर्टिकुलर टू और मोर स्टेट्स ठीक है तो वो लोकल होते हैं और डिसेंट्रलाइज जब हम लोग सेंट्रलाइज की बात करेंगे सो वील बी कवरिंग थ्री वी हैव एन ई एफ टी वी have RTGS and the NECS. एंड द ठीक है हम तीन जो अभी स्टार्टिंग में डिस्कस करने वाले हैं वो है हम लोग के सेंट्रलाइज रेमिटेंस प्रोडक्ट्स मतलब वो ऑल ओवर इंडिया वर्क करते हैं ठीक है ऑलरेडी आपको इन सब के बारे में पता भी होगा एक क्विक रिविजन हो जाएगा यहाँ पे सो फर्स्ट वी हैव द एन ई एफ टी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एनी एफ टी क्या होता है नाउ इट इज अगेन हमने कहा था ये सेंट्रलाइज्ड है सो इट इज़ नेशन वाइड जैसा कि नाम में समझ में आ रहा है नेशनल सो इट इज़ अ नेशन वाइड पेमेंट यहाँ पे फंड टू वन टू वन ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं सो so हेयर जो इंडिविजुअल्स हैं फर्म्स हैं कॉरपोरेट्स हैं दे कैन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फ्रांस फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी अदर इंडिविजुअल और द ऑल हु आर यूजिंग द बैंक अकाउंट ठीक है सो so, ये एन ई एफ टी के अंदर आता है बेसिकली इट वर्क ऑन अ डिफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस अब इसको यहीं पे समझने की कोशिश करो जब हम बात करेंगे आर टी जी एस की सो आर टी जी एस इज रियल टाइम वहां पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आप पेमेंट इनिशिएट कर रहे हो यू आर इनिशिएटिंग अ पेमेंट फ्रॉम योर साइड लेट्स यूर ट्रांसफरिंग मनी टू सम अदर पर्सन ठीक है और सम अदर बैंक अकाउंट सो वॉट हैपन्स रियल टाइम इमीडिएटली क्या होगा फंड ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट डेबिट हो जाएगा हेयर एनी एफ टी वॉट हैपन्स डिफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस यहाँ पे बैचेज में ट्रांसफर होता है तुरंत इमीडिएट नहीं होगा बैचेज में होगा इन द बैच ऑफ हाफ अर्ली हाफ अर्ली बैच विल बी क्रिएटेड एंड देन ये पेमेंट किया जाता है तो इमीडिएट नहीं होता ये ठीक है और डिटेल में देखते हैं इसको एनई एफ टी फंड ट्रांसफर अ बैंक ब्रांच हैजू बी एनई एफ टी इने देन इंडिविजुअल फर्म्स और कॉर्पोरेट आर मेंकाउंट विद द बैंक ब्रांच कैन ट्रांसफर यूजिंग फंड थ्रू द एनई एफ टी सिंपली आपको कुछ अलग से नहीं करना होता है आपका हर बैंक का एक मोबाइल ऐप होता है मोबाइल ऐप पे वेन यू ट्रांसफर फंड एन ई एफ टी के थ्रू या फिर RTGS के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हो सो एन ई एफ टी क्या होता है बैंक अकाउंट दीज आर वॉक इन कस्टमर्स कैन ऑल्सो डिपॉजिट कैश एट दी इनेबल्ड ब्रांचेस बेसिकली उनको कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि प्रोवाइड करनी होगी वॉक इन कस्टमर्स को और वो लोग कैश को कर सकते जैसे इंफॉर्मेशन uh, जैसे कि कंप्लीट एड्रेस हो गया मोबाइल नंबर हो गया ये सारी चीजें क्या इसमें लिमिट है मैक्सिमम ऑफ लेस देन रुपीज फिफ्टी थाउजेंड पर ट्रांजैक्शन जैसे कि मैं uh, मैं मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है बट द इंडिविजुअल दैट आई नीड टू सेंड मनी टू उसके पास लेट से बैंक अकाउंट है तो मैं क्या कर सकती हूँ मैं सिंपली कैश के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकती हूँ यूजिंग द एन बट देर इज अ लिमिट ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड पर ट्रांजेक्शन प्रोवाइड आई गिव ऑल देक्ट इंफॉर्मेशन ठीक है इसके अलावा वन वे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर भी अलाउड है फ्रॉम इंडिया टू नेपाल दिस इज नोन एज इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम पर्टिकुलरली बिटवीन इंडिया टू नेपाल दैट इज ऑल्सो वन वे क्रॉस बॉर्डर मतलब इंडिया से नेपाल में ये फैसिलिटी अवेलेबल है एंड देर इज नो लिमिट आई दर मैगजिमम और मिनिमम दैट कैन बी सेंट यूजिंग दी एफ टी अब पहले क्या था पहले कुछ फीस थी जो कि अप्लाई होती थी मतलब कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर इनवर्ड ट्रांजेक्शन्स हैं डेस्टिनेशन बैंक ब्रांचेस में तो कोई फीस नहीं थी लेकिन आउटवर्ड ट्रांजेक्शन में फीस लगती थी कुछ रुपीज टेन थाउजेंड से अगर तक ट्रांजेक्शन है बट अब क्या हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी क्योंकि अब ये चेंज हो गया इसीलिए हम लोग वो जो फीस थे या चार्जेस थे उसको अलग से नहीं पड़ेंगे सो आर बी आई हैज रिमूव ऑल द एप्लीकेबल चार्जेस ऑन एन एफ टी ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड बाय ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग बाय द सेविंग अकाउंट होल्डर्स राइट right, तो जो सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स हैं अगर वो एन ट्रांजैक्शन के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं तो कोई भी चार्जेस या कोई भी फीस नहीं होंगे चाहे वो इनवर्ड ट्रांजैक्शन हो या फिर वो आउटवर्ड हो ठीक है उसके अलावा पहले क्या था कि एन एक टाइम पीरियड में वर्क करता था ये केवल एट ए से लेके सिक्स थर्टी तक वर्क करता था बट अगेन विद इफेक्ट फ्रॉम सिक्सटीन दिसंबर टू ऑनलाइन एन ई एफ टी ट्रांजेक्शन कैन बी परफॉर्म ट्वेंटी फोर सेवन थ्री सिक्सटी फाइव डेज पहले हर दिन पे आप एन ई एफ टी ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकते थे ठीक है पहले क्या था कि थ्री सिक्सटी फाइव डेज पे नहीं था बट अब क्या है आप कभी भी ट्रांसफर यूज या मोबाइल ऑनलाइन बैंकिंग से ट्रांसफर कर सकते हो ठीक है नाउ लाइक वी सेड बैचेस चलते हैं सो दीज आर हाफ आवरली बैचेस एवरी डे जिसमें ट्रांजेक्शन टोटल इन अ डे ठीक है ये था एन ई एफ टी में फिर उसके अलावा एन ई एफ टी ट्रांजेक्शन आफ्टर यूजिंग आज आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑटोमेटेड थ्रू द स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग बाई ऑल द बैंक्स वही जो ट्वेंटी फोर सेवन का था उसमें ईजिली कर सकते हैं एंड प्रोसेसिंग चार्जेज वेविंग चार्जेस सारी चीज़ें ये भी हटा दी गई हैं विद इफेक्ट फ्राम जुलाई वन टू थाउजेंड एंड नाइनटीन फॉर ऑल दी आउटवर्ड ट्रांजेक्शन इन एन ई एफ टी एज वेल एज आर टी जी एस सो प्रोसेसिंग चार्ज और वेविंग चार्जेस भी अब अप्लाई नहीं होते हमने पहले क्या देखा था फीस या चार्जेस फॉर सर्टिन सो एन सो अमाउंट वो हटाए गए थे ये भी है कि कोई भी प्रोसेसिंग या वेव ये चार्जेस हैं टाइम वेरिंग चार्जेस ये सब भी हटा दिए गए हैं तो क्या क्या नहीं है कोई फीस नहीं है

ट्रांसफर में क्या होता है एक यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस प्रोवाइड किया जाता है इट इज नंबर द यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस और यू टी आर नंबर यू टी आर नंबर को आप यूज कर सकते हो एंड यू कैन चेक वॉट इज द स्टैंडर्ड और वॉट इज द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग फॉर योर ट्रांजेक्शन दैट यू हैव डन ठीक है एंड इट कैन बी थ्रू दिजिनेटिंग बैंक ब्रांच और सी एफ सी राइट अब Uh, जब हम लोग बात करते हैं एन प्रोसेस फ्लो की ठीक है तो इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं वी हैव द सेंडिंग बैंक जहाँ पे अकाउंट होल्डर है लेट से मैं कोई डेबिट ट्रांजैक्शन करना चाह रही हूँ सो so मेरा जो बैंक होगा वो सेंडिंग बैंक हो जाएगा देन वी हैव सेंडिंग सर्विस सेंटर उसके बाद हम लोगों का आ जाएगा एन ई एफ टी क्लियरिंग हाउस एन ई एफ टी क्लियरिंग हाउस है क्लियरिंग सेंटर फिर जो रिसीविंग बैंक है जिसको मैं अमाउंट ट्रांसफर कर रही हूँ तो उसका भी सर्विस सेंटर होगा सो दैट इज द रिसीविंग सर्विस सेंटर एंड फाइनली वी हैव द डेस्टिनेशन बैंक और द बेनिफिशियरी बैंक ठीक है तो इन सारों का क्या रोल है या किस तरीके से ये प्रोसेस वर्क करता है सो दीज आर द स्टेप्स दैट हैव बीन गिवन फर्स्ट द इंडिविजुअल फर्म और कॉरपोरेट intending to originate the transfer of funds through NEFT has to fill an application form providing the details of the beneficiary and amount to be remitted. खुद ही से visualize करो आप bank का app खोलते हो right उसके बाद आप क्या करते हो fund transfer पर जाते हो fund transfer पर क्या होता है कि beneficiary या तो beneficiary होता है या add beneficiary वाला option होता है and the amount that is to be transferred ये first step होता है second the originating bank प्रिपेयर अ मैसेज एंड सेंड्स द मैसेज टू इट्स पुलिंग सेंटर यहाँ पे वो पूलिंग सेंटर पूल वाई बिकॉज बैचेज आर क्रिएटेड पुलिंग मतलब पुटिंग टूगेदर पूल इन करना तो वो सारे जो मैसेजेस हैं जो भी ट्रांजेक्शन करने उनको एक बैच क्रिएट किया जाता है ऑल्सो कॉल्ड द एनी एफ टी सर्विस सेंटर राइट वॉट हैपन्स नेक्स्ट देन दिस पुलिंग सेंटर फॉरवर्ड द मैसेज टू द एनी एफ टी क्लियरिंग सेंटर टू बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट अवेलेबल बैच ये एन ई एफ टी क्लियरिंग सेंटर वेयर इट इज इट इज ऑपरेटेड बाई दी नेशनल क्लियरिंग सेल ऑफ आर बी आई इन मुंबई ये थर्ड स्टेप हो जाता है मतलब इंडिविजअल ने क्रिएट किया क्या उसको अमाउंट सेंड करना है किसको अमाउंट सेंड करना है फिर उसके बाद मैसेज क्रिएट करके ब्रांच भेज देगा एन ई एफ टी सर्विस सेंटर को वहाँ से चला जाएगा एन ई एफ टी क्लियरिंग सेंटर पे ठीक है वहाँ पे उसको पूरा बैच में करके जब पूरा हो जाता है जो ऑरिजिनेटिंग बैंक है जहां से डेबिट हो रहा है ठीक है वहां से वो पूरा जो फंड ट्रांजेक्शन क्रिएट किया गया है इट इज ट्रांसफर टू द डेस्टिनेशन बैंक वेर द क्रेडिट इज मेड राइट एंड देन दैंकवाइज रेमिटेंस मैसेजेस आर फॉरवर्डेड टू द डेस्टिनेशन बैंक दैट इज द ट्रांजेक्शन हैज बिन कम्पलीटेड फ्रॉम आर साइड नाउ इट इज टू योर साइड आपके बैंक में आ गया है एंड देन फाइनली जो डेस्टिनेशन बैंक होता है वो इनवर्ड मैसेज को रिसीव करता है एंड दे पास ऑन द क्रेडिट टू द बेनिफिशरीज कस्टमर्स अकाउंट ठीक है तो सुनने में तो ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है बट बिकॉज तो इट इज इलेक्ट्रॉनिक तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है हाफ अवर्ली बैचेज में कंप्लीट हो जाता है ठीक है सो so स्टार्ट होगा फ्रॉम दरिजिनेटिंग बैंक Where the debit is made, where the message is created, and then it, it finishes when the credit is made in the beneficiary customer's account. So, these are the five steps in the operation of the NEFT. And uh, it can also be used to transfer funds to the NRE or NRO accounts in the country, and it is subject to adherence in the FEMA. एक्ट एंड दि वायर ट्रांसफर गाइडलाइंस एंड सो ऑन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट वॉट इज इज की हम लोग के जो पाँच स्टेप्स हैं जो पाँच एंटिटीज है प्रोसेस फ्लो के अंदर उनका कैसे फंक्शनिंग रहता है दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस अब इसमें कुछ राइट्स हैं ऑब्लिगेशनस हैं कस्टमर्स से भी रिलेटेड बैंक से भी रिलेटेड पहले तो सिक्योरिटी इंटीग्रिटी मेनटेन करना इम्पोर्टेंट है बैंक के लिए कि कस्टमर को इंफॉर्मेशन उसकी चेंज मतलब थर्ड पार्टी तक नहीं पहुँच रही है उसके अलावा जो फॉर्मैट uh, है किस तरीके से कस्टमर करेगा दैट हैज टू बी क्लियर बाय द बैंक एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आर कॉमन एडवांटेजेस हैं बहुत सारे एन के जो लो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं हम लोग उसको ईजली कर सकते हैं अगर इमिडिएटली हमें नहीं करना है बिकॉज चार्जेस नहीं है ट्वेंटी फोर सेवन थ्री सिक्सटी फाइव डेज वर्क करता है ऑल ऑफ दीज आर द एडवाटेज ऑफ यूजिंग एन ई एफ टी ट्रांजेक्शन राइट नाउ एनदर सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इज द आरटीजीएस और रियल टाइम ग्रॉसमेंट एनईफ टी क्या वर्क कर रहा था नेट बेसिस पे वर्क कर रहा था डेफर्ड नेट बेसिस ये किस पे वर्क कर रहा है रियल टाइम ग्रॉस बेसिस पे वर्क कर रहा है तो इसमें हमको वेट नहीं करना है कि पहले बैचेस क्रिएट होंगे फिर उसके बाद हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा यहाँ पे इमिडिएटली हो जाता है सो so, आरटीजीएस कैसे वर्क करता है लेटेस्ट सी वॉट इज द प्रोसेस फ्लो फर्स्ट आर टीजीएस मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन आर रिसीव जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिला वैसे ही ट्रांसफर करो या वैसे ही कंप्लीट करो एंड ग्रॉस मीन्स दैट द सेटलमेंट्स कैन बी कैरिड आउट इंडिविजुअली ठीक है सो इमीडिएटली करना है इंडिविजुअली करना है बैचेस क्रिएट होने का वेट वेट यहाँ पे हम लोगों को नहीं करना होता है वेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर टी जी एस सो दीज आर फाइनल एंड इनरेवोकेबल ऑल्सो बिकॉज इमिडिएटली दर बींग मेड राइट अब आर टी जी एस के अंदर क्या होता है कि कुछ प्रोसीजर होता है कुछ टाइप्स हैं ये टर्म्स को समझने की कोशिश करना सो so, जो ट्रांजैक्शन आर टी जी एस में होते हैं दीज आर द इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स एंड दस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शंस दो टाइप हो गए एक और होता है डिलीवरी वर्सेज पेमेंट ट्रांजेक्शन इंटर बैंक इंटर का मतलब होता है बिटवीन सो ट्रांशवीन बैंक ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन देयर ओन अकाउंट लेट से बैंक ने खुद कोई एक लोन लिया हुआ है किसी और बैंक से ठीक है और वो ट्रांजेक्शंस उसे करने आर तो टीजीएस वो भी अलाउ करता है इंटर बैंक फ्रॉम वन बैंक टू अनदर राइट सो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन अलाउड अपार्ट फ्रॉम दैट कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन सिंपली कस्टमर को जो भी पेमेंट करनी है दैट इज कस्टमर टू कस्टमर या कस्टमर टू मर्जेंट ये सारी चीजें भी आर टी जी एस में होती हैं सो अलॉन्ग विदेमेंट मैसेज इट कैन बी ट्रांसफर्ड इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट तो इंटर बैंक भी हुआ मतलब बैंक एक अकाउंट से अपने दूसरे अकाउंट में भी कर सकते हैं कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन भी होते हैं कस्टमर टू अ बेनिफिशरी इन द सेम बैंक और अदर बैंक तो कस्टमर टू कस्टमर भी होते हैं आरटीजीएस के अंदर एंड देन देर इज द डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजेक्शंस ये किसमें होता है दिस इज आउट ऑफ द आर सिक्योरिटी सेटलमेंट सिस्टम ये एक सेपरेट ट्रांजेक्शन की तरह क्रिएट किया जाता है आर के साथ आर के साथ कुछ कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि बैंकस क्रिएट करते हैं राइट right, जो कि ट्रेजरी ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि मनी और डेट मार्केट हम लोग के होते हैं बॉन्ड्स हो गए डिबेंचर्स हो गए शेयर्स हो गए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होते हैं सो दीज आर आल्सो अलाउड सो बैंक्स दे कैन मेक देयर ओन ट्रांजैक्शंस यूजिंग आरटीजीएस दे कैन मेक द ट्रांजेक्शंस फॉर द कस्टमर्स ऑल्सो दे कैन मेक द ट्रेजरी ऑपरेशन राइट सो ऑल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ ट्रांसैक्शन किसके अंदर होते हैं आर टी जी एस के अंदर होते हैं एनी एफ टी के अंदर नहीं आर टी जी एस के अंदर होते हैं ठीक है ऑल दो इससे क्वेश्चन अभी नहीं आया है बट अगेन लेसर नोन इन्फॉर्मेशन है तो इसको रिवाइज करना जरूरी है हमारे लिए सो कस्टमर टू कस्टमर ट्रांसक्शन रेमिटेंसेज फ्रॉम द कस्टमर टू अ बेनिफिशरी

कुछ लिक्विडिटी uh, से रिलेटेड एस एल आर सी आर आर कुछ रेशियोज हैं जो कि आर बी आई बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली बैंक को देखना होता है हाउ मच अमाउंट ऑफ द डिपोजिट्स दे कैन गिव आउट एज लोन हाउ मच दे हैव टू मेनटेन इन देयर ओन अकाउंट्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर सो आर टी जी एस में ये सारी चीज़ें भी होती हैं एंड वेरी कॉमन इंफॉर्मेशन द मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू आर टी जी एस इज रुपीज टू लैक्स बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है कुछ नया इसमें नहीं था टू लैक्स ये हम लोगों को पता ही है नाउ किस तरीके से कस्टमर बेस्ड ट्रांजेक्शन होते हैं बाकी ट्रांजेक्शन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेल बैंकिंग सो फर्स्ट रिक्वेस्ट टू इमिनेट फ्रॉम कस्टमर टू रूट अ रेमिटेंस थ्रू दी आर कस्टमर क्या करेगा वो सिंपली एप uh, पे जाएगा अमाउंट डालेगा बेनिफिशरी को द to be deb debited from his account and to be credited to the beneficiary so bank account details ifsc number name of the beneficiary customer uh, any information that is to be sent to the beneficiary all of these things are provided by the customer then the originating bank would debit the account as per the mandate and create a structured message under rtgs isme pehle kya tha? neft mein? कि एक क्लियरिंग हाउस से दूसरा क्लियरिंग सेंटर फिर से रिसीविंग बैंक के पास मैसेज जा रहा है ऐसा नहीं है आरटीजीएस में सिंपली व्हाट इज हैपनिंग बैंक इज डेबिटिंग द अकाउंट एज पर द रिक्वेस्ट दैट इज क्रिएटेड बाय द बैंक अकाउंट होल्डर देन द मैसेज आफ्टर डी ऑथेंटिकेशन वुड बी कम्युनिकेटेड टू द पेमेंट गेटवे एंड इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द आरटीजीएस सिस्टम तो इसमें बैचेस नहीं क्रिएट करने हैं मैसेजेस को ऑथेंटिकेट कर देना है इंफॉर्मेशन सारी देख लेनी है एंड देन व्हाट हैपेंस मैसेज को प्रोसेस किया जाता है एंड दे विल बी फॉरवर्डेड टू द गेटवे ऑफ द अदर बैंक इस बैंक से दूसरे बैंक में गेटवे के थ्रू मैसेज ट्रांसफर किया गया एंड आफ्टर द डेबिट क्रेडिट इज मेड विद द कस्टमर डिटेल्स एंड द देनिफिशरी डिटेल्स बेसिकली सेंडर बैंक और बेनिफिशिय बैंक के बीच में बस क्या किया जा रहा है ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर प्रोवाइड कर रहे हैं बेनिफिशियरी के अकाउंट डिटेल से रिलेटेड द अमाउंट दैट टू बी रेमिटेड एंड सो ऑन एंड द क्रेडिट एंड द डेबिट ट्रांजेक्शन ओके सो दर टी जी एस ओके अगेन यहाँ पे अगर हम लोग फीस की बात कर रहे हैं आरटीजीएस के अंदर तो आरटीजीएस में इनवर्ट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी फीस या फिर कोई भी चार्ज नहीं है उटवर्ड ट्रांजेक्शन के लिए कुछ चार्जेस लगते हैं जैसे कि वेन इट इज ऑफ रुपीज टू लैक्स फाइव लैक्स देन द चार्ज शुड नॉट एक्सीड रुपीज टू पॉइंट फाइव जीरो अब इससे कम इंडिविजुअल कर सकते हैं आरबीआई ने क्या किया मैक्सिमम चार्ज बता दिया बट मिनिमम नहीं बतायान दिस एंड इफ इट इज अब रुप चार्ज शुड नॉट एक्ड रुपीज फोर्टी and as I already told बैंक इससे कम भी चार्ज कर सकते हैं तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस के RTGS और NEFT के बीच में so RTGS में मिनिमम टू lakhs का ट्रांजेक्शन होना चाहिए NEFT में कोई ऐसा मिनिमम ट्रांजेक्शन या मैक्सिमम अमाउंट स्टिपलेट नहीं किया गया

पेमेंट्स दैट इज क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंस दीज आर वॉट दीज आर पीरियोडिक एंड रिपीटेटिव इन नेचर जैसे कि हर महीने हमारा इंश्योरेंस अगर वी हैव परचेज एन इंश्योरेंस तो उसका प्रीमियम अगर डिडक्ट होना है सो इट इज पीरियोडिक एंड बार बार होता है तो हर बार हमें वो मैंडेट ना क्रिएट करना हो रिपीटेटिव काम ना करना हो फॉर दैट वी कैन यूज द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज फॉर द बल्क रिमेंट टू बी मेड सो इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट और वेन यू रिसीव योर सैलरी एवरी मंथ तो आपका जो एम्प्लॉयर है आपका जो बैंक है वो क्या करेगा वो ई सी एस के थ्रू बोल देगा कि इतना अमाउंट ऑन एवरी फर्स्ट ऑफ दंथ टू बी क्रेडिटेड

इंडिविजुअल्स हैं जिनके अकाउंट को इसमें यूज किया जाएगा उनकी भी परमिशन ली जाती है ठीक है सो वट है ईसीएस क्रेडिट पेमेंट कैन बी पुट थ्रू दी एस यूजर ओनली थ्रू हर और हिज ओन बैंक तो जो ओन बैंक हो जाता है वो हो जाता है स्पॉन्सर बैंक लेट्स से यू हैव एन अकाउंट इन एस बी आई

आपका अकाउंट है आपके एम्प्लॉयर ने किया कि हाँ इस एस अकाउंट में इतना अमाउंट सैलरी का भेजना है ठीक है सो स्पॉन्सर बैंक एंड डेस्टिनेशन स्पॉन्सर बैंक आपका एम्प्लॉयर हो गया इन दिस केस एंड डेस्टिनेशन बैंक इज योर ओन बैंक जहां पे आपका अकाउंट है एंड ई सी एस कैन बी यूज टू ट्रांसफर फंड एनआर इन दंट्री बट अगेन फेमा और वायर ट्रांसफर गाइडलाइंस इसमें इंक्लूड होती हैं देन सेकेंड टाइप या वेरियंट ईसीएस के अंदर वी हैव दी एस डेबिट ई सी एस डेबिट में क्या होता है हेयर यू गिफ्ट टू योर अकाउंट टू योर बैंक डेट ओके वी ओके ओके एंड राइट तो इसमें क्या होता है फॉर क्रिएटिंग डेबिट टू अ लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट में यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप लोग क्या करो आप डेबिट करने के लिए परमिशन दे रहे हो राइट right? जो कस्टमर क्या है कस्टमर के पास एडिकुएट फंड्स हैं उसके अकाउंट में और जो डेस्टिनेशन बैंक ब्रांच है उसको उसे क्या करना है डेबिट कर देना है एवरी मंथ जैसे कि हमने कहा था इंश्योरेंस का लट से प्रीमियम पे करना है सो अकाउंट होल्डर वो क्या करेगा वो मैंडेट क्रिएट करेगा कि येस आई एम गिविंग दिस परमिशन

और उसमें मुझे यूजर इंस्टीट्यूशन की परमिशन या इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होगी मैं अपने साइड से ही वो मैंडेट को कर भी सकती हूँ रिजोल्व ठीक है अब कैटेगरीज होती हैं ई स्कीम की देर इज द लोकल ई लोकल ई में क्या होता है एक पर्टिकुलर एरिया में जोग्राफिकल कवरेज लिमिटेड होता है वन सिटी और नियर बाई टाउन्स और दबर्ब्स दैट आर जॉइनिंग द सिटी दीज आर ऑपरेटेड बाई आर बी आई और डेजिग्नेटेड बैंक इसका नाम ही है लोकल सो so, इसका जोग्राफिकल एरिया जो ये कवर कर रहा है इट वुड बी लेस ठीक है सेकेंड टाइप का हमारा होता है रीजनल ई सी एस इसमें क्या होता है इट इज स्टेट और अ ग्रुप ऑफ स्टेट नाउ दिस इज अ लार्जर एरिया एज कम्पेयर टू लोकल इसीयस ठीक है एंड इसमें क्या हो रहा है इट इज ऑपरेटेड बाई आर बी आई बेसिकली दैंक ब्रांचेस इन अ लोकल एरिया तो लोकल ई सी एस हो गया बैंक ब्रांचेस विद इन अ स्टेट वो हम लोग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं रीजनल ई सी एस यूज कर सकते हैं एंड देन देर इज ऑल्सो द नेशनल ई सी एस विच इज देंट्रलाइज वर्जन ऑफ द ई सी एस ये क्या है इट इज ऑपरेटेड एट मुंबई एंड इट कवर्स ऑल द कोर बैंकिंग इनेबल्ड ब्रांचेस इसमें कोई भी स्टेट या टाउन या ये सारा कैटेगराइजेशन जोग्राफी का नहीं है सिंपली हम लोग कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं पे भी अपना मैंडेट क्रिएट कर सकते हैं फॉर द डेबिट और क्रेडिट एंड इट इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई तो हम लोग का जो रीजनल है लाइक वी सेड यस रीजनल और नेशनल इट इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई ओनली बट जो लोकल ई है या तो आर करेगा वन अ डेजिग्नेटेड बैंक इन द पर्टिकुलर लोकल एरिया एंड दैट इज ऑल अब क्वेश्चंस भी हमको करने थे बट सर की क्लास का टाइमिंग हो गया है और आज थोड़ा जल्दी करना होगा सो क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे इस चैप्टर के यस यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी कल से हम लोग थोड़ा सा उस हिसाब से चलेंगे क्वेश्चंस भी कर सकेंगे यस yes. ओके सो फॉर टुडे आई विल एंड द क्लास एंड आप लोग सर की क्लास अभी ज्वाइन कर लेना जो अभी स्टार्ट होगी ठीक है एंड कोई डाउट या क्वेरी होता है गो थ्रू दिस सॉल्व द क्वेश्चंस एंड वी विल डिस्कस टुडे टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन ओके देना एंडिंग द सेशन थैंक यू